हेलो फैंस, बीएसएफ का ये फॉर्म आ गया है। बीएसएफ स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये फॉर्म आ चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फॉर्म में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी एज क्या मांगी गई है, एज में क्या छूट दी जाएगी, इसमें फीस कितनी पड़ेगी, इसकी सैलरी कितनी होगी, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि ये फॉर्म बीएसएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको फिल कर दीजिए, इससे आपका कैरियर 100% बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को फिल करके आप बीएसएफ का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है और इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो यहाँ पर क्लियर लिख दी गई है कि 9/6/2024 से 8/7/2024 के बीच में ये फॉर्म फिल किया जाएगा। मतलब 9/6/2024 से ये फॉर्म शुरू हो गया है और 8/7/2024 23:59 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें इसकी जो आगे डिटेल दी गई है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 5 लेवल्स, यहाँ पे लेवल्स हैं जिसमें कि 29,200 से लेके 92,300 तक इसकी सैलरी है। और हेड कांस्टेबल के लिए आप देख लीजिए यहाँ 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी है। आप यहाँ पर पे स्केल इसका देख सकते हैं कि कितना अच्छा पे स्केल है। आप इस फॉर्म को आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ये फॉर्म बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि बीएसएफ में यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल सीट है वो है 2। यहाँ पर देखिए क्लियर दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस सीट है 2, उसके बाद ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 2 है, टोटल 17 सीटें हैं। इसके बाद सीआरपीएफ जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसमें मेल फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, सॉरी एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 2 सीटें दी गई हैं। इसके बाद इसमें आईटीबीपी डिपार्टमेंट है, जो आईटीबीपी में जो सीटें दी गई हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग सीटें हैं। मेल के लिए 19 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं, एससी के लिए 6 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है वो जनरल के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, टोटल 56 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और सीआईएसएफ डिपार्टमेंट जो इसमें ऐड किया गया है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 37 सीटें जनरल वालों के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 47 सीटें हैं, एससी के लिए 29 हैं और एसटी के लिए 15 हैं। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए कि जनरल के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, टोटल 146 सीटें हैं। और इसी में जो एसएसबी डिपार्टमेंट ऐड किया गया है, एसएसबी डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्या है, तो यहाँ मेल और फीमेल के लिए एक साथ दी गई है, यहाँ पर 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल यहाँ पर 3 सीटें ऐड की गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल का है वो भी आप देख लीजिए, ये ऊपर था सब इंस्पेक्टर के लिए, अब हेड कांस्टेबल के लिए जो सीटें इसमें निर्धारित की गई वो आप देख लीजिए। बीएसएफ के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है जनरल वालों के लिए 80 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 99 है, एससी के लिए 47 है और एसटी के लिए 56 है, टोटल 302 सीटें हैं। सीआरपीएफ वालों के लिए मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल के लिए 110 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 हैं, ओबीसी के लिए 73 हैं, एससी के लिए 41 हैं और एसटी के लिए 31 हैं, टोटल 282 सीटें हैं। इसके बाद आईटीबीपी डिपार्टमेंट में मेल फीमेल के लिए अलग अलग सीटें दी गई हैं। यहाँ पर मेल की पहले बात कर लेते हैं तो 78 सीटें जनरल वालों के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 19 हैं और एससी के लिए 26 हैं और एसटी के लिए 6 हैं। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 14 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, एससी के लिए 5 हैं और एसटी के लिए 1 है, टोटल 163 सीटें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के लिए, तो इसमें मेल के लिए है 182, जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 44 और ओबीसी के लिए है 120
इसके बाद एससी के लिए है 67 और एसटी के लिए है 33। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए है 22, ईडब्ल्यूएस के लिए है 5, ओबीसी के लिए है 13, एससी के लिए है 7, एसटी के लिए है 3। टोटल 496 सीटें हैं यहाँ पर सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद इसमें एसएसपी की सीटें आप देख लीजिए, यहाँ मेल फीमेल के लिए एक साथ दी है कि जनरल वालों के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। टोटल 5 सीटें दी गई है और एआर डिपार्टमेंट के लिए मेल फीमेल में 16 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 सीटें, 16 सीटें जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 2 है। टोटल 35 सीटें यहां पर दी गई हैं। इस तरीके से यहां पर सीटों का विवरण दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर किसको कितनी छूट दी जाएगी, यहां पर क्या आपको छूट मिलेगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। यदि आपको बीएसएफ के फॉर्म से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई करके हेल्प करूंगा। यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने हो गए तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ एससी एसटी के लिए जो छूट मिलने वाली है, एज में जो छूट मिलेगी वो है 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विस मैन है उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको आप देख पा रहे हैं कि उनकी पहले तो 40 से 45 साल एज मांगी गई है और उसमें 3 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट और भी वो है, जैसे कि कोई विधवा और डिवोर्स करके वोमेन है उनके लिए भी एक अलग फैसिलिटी है। यहाँ पर वो 35 से 40 साल की एज मांगी गई है। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो गुजरात के 2002 कांड से पीड़ित रहा हो तो उनको 5 साल की छूट दी गई है और इसी तरीके से वो जनरल के लिए 5 साल दी गई है, ओबीसी के लिए 8 साल दी गई है और एससी एसटी के लिए 10 साल की छूट दी गई है। मतलब बहुत ही बढ़िया छूट है, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है इस फॉर्म को फिलअप करने का। आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए जिससे कि इसकी साइट बिजी होने से पहले आप इसका फॉर्म कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ आगे इसकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई है वो आप देख लीजिए कि 1/8/2024 तक इन्होंने क्लियर डेट दे दिया है कि ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आप देख लीजिए यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 10+2 कैंडिडेट पास होना चाहिए, 1/8/2024 से पहले पास होना चाहिए, आप क्लियर समझ लीजिए। और यहाँ पर इन्होंने पहले से लिख के दे दिया है कि ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सबका होगा, ये इन्होंने क्लियर इसमें लिख करके दे दिया है। इस फॉर्म को भरने के जो फीस यहाँ पर है आप देख लीजिए, यहाँ पर 100 रुपए फीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी और महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब एससी एसटी और महिलाओं के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क किया गया है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर जो भी हाइट टेस्ट मांगा गया है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिसेंट बिलो इन सीरियल नंबर, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और यहाँ पर जो चेस्ट मांगा गया है 77 से 82, मतलब फुलाने पर 82 होना चाहिए और नॉर्मल 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट यहाँ फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है जिसमें 162 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो भी नागालैंड और अलग अलग प्रदेश के लिए दिए गए हैं, वहां पर त्रिपुरा वगैरह के लिए, वहां पर उनके लिए हाइट मांगी गई 162 सेंटीमीटर और उनका चेस्ट 77 और फुलाने पर 82 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है ऑल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर और 76 से 81 यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है। यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए जो बात की जाए उनकी 155 सेंटीमीटर है और इसमें उनके जो वहां पर त्रिपुरा मिजोरम आसाम की जो लड़कियां हैं वहां पर ये जो पूरे दिए गए हैं यहाँ प्रदेश, यहाँ की जो लड़कियां उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो इनके रनिंग के लिए बोला गया है, यहाँ पर देखिए क्लियर दिया गया है कि यहाँ पर इनकी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसमें जो 1.6 किलोमीटर रेस
इन 6 मिनट में की गई है, 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर रेस करनी है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है उनके लिए है 800 मीटर की रेस, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है, उनको 800 मीटर की रेस करनी है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर उनका पूरा फिजिकल टेस्ट होगा और वो सब कुछ इसमें क्लियर दिया गया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने बीएसएफ के फॉर्म की पूरी जानकारी ले ली। तो आप बिल्कुल देर नहीं करना, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।